नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाचवा वर्ग 8 चा मराठी विषय, त्यामध्ये पाहता आपण कविता शोधशी मांडवा रावळी मंदिर। इसके पहले हमने पोएम देखे, उसके पहले हमने क्वेश्चन आंसर का भी एक पार्ट देखे हुए, ओके। उसमें स्मॉल क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें 4 स्मॉल क्वेश्चन थे, उसके भी मैंने आंसर लिखवा के दी हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको मतलब उसके भी आंसर मैंने लिखवा दी, उसका एक्सप्लेन भी करके दी हूँ मैंने। अब हम देखेंगे जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो देख रहे हो, ओके। आपके पास बुक होगा तो देखिएगा, ये जो ई वाला क्वेश्चन है आपके बुक में देखिएगा, ई वाला क्वेश्चन बड़ी ई वाला, ओके। अब देखिएगा इसमें क्या है, एक शब्द अनेक अर्थ वाचा आणखी काही शब्द शोधून लिया। जसं अंतर, अंतर म्हणजे मन, फरक, याचे दोन मेन वर्ड आहे, म्हणजे समानार्थी वर्ड सारखं आहे। जीवन, आयुष्य आणि पावर, पाणी, जीवन म्हणजे पाणी पण होते, आयुष्य पण होते, समानार्थी शब्द। तसाच मी घेतला ताल, ताल म्हणजे हात आणि संगीतातील ताल। त्याच्यानंतर आहे पट्टी, पट्टी म्हणजे सेंटीमीटर इंच फूट मोजण्याची पट्टी किंवा संगीतातील पट्टी। संगीतातील पट्टी लिहिलं तरी चालेल, एक लिहिलं तरी चालते, ओके। त्याच्यानंतर आपण क्रियापदे, क्रियापदे शोधून लिहा। जसं पहा याच्यात क्वेश्चन आहे, जसा गंधक हसतो पाकळी सारुनी वाहते निर्झरी प्रेम संजीवनी भोवताली तुला साध घाली कुणी घेऊन घे जाणुनी रूप हे ईश्वरी। इसमें देखिएगा आप, जैसे देखो गंधक हसतो पाकळी सारुनी, इसमें से आपको क्रियापद लिखना है, तो क्रियापद मैंने लिख के देखो पहले इसमें क्या आएगा, मैंने नंबरिंग दी हूँ आपके जो लाइनिंग थी उसके लिए नंबरिंग दी हूँ। देखो हसतो सारुनी ये दोनों क्रियापद है, उसके बाद सेकंड इसमें क्या है, वाहते निर्जरी प्रेम संजीवनी, वाहते ये क्या है क्रियापद है। उसके बाद ये तीसरा वाला भोवताली तुला साधघा लीकुणी, ये साधघाली ये क्या है क्रियापद है। उसके बाद है खून के जानुनी रूप है ईश्वरी, इसमें जानुनी ये क्या है क्रियापद है। मतलब प्रत्येक लाइन का मतलब वन बाय वन मैंने लिख के दी हूँ, आप ऐसा ही अपने नोटबुक में उतारिएगा, ओके, बुक्स में उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपको कि खाली शब्दांना उपसर्ग लावून, उपसर्ग कुठे लागते समोर लागते, प्रत्यय मागे लागते, ओके। उपसर्ग लावून विरुद्धार्थी शब्द पहा, इसके पहले हमने उपसर्ग पढ़े, हमने 7th में पढ़े, 6th में पढ़े, ओके। सो उपसर्ग मीन्स क्या होता है ये सब पता है आपको, इसमें आपको क्या लिखना है विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिए है अ, अ, बे, गर, वी, और, न, ना, ओके। इसमें से देखिएगा सुर, सुर का अपोजिट क्या आएगा, अब इसमें से एक शब्द लगा और उसका ये करो, सुर का अपोजिट क्या आएगा बेसुर। रूपा का अपोजिट क्या आएगा अवकृपा, अवकृपा, कृपा मीन्स चांगली दृष्टि, अवकृपा मीन्स गैर, पूर्ण, पूर्ण मीन्स पूरा, पूर्ण का अपोजिट क्या आएगा अपूर्ण आएगा ना, तो अ का है ये देखो अपूर्ण। वर्तन मीन्स अच्छे, उसके बाद क्या आएगा गैर वर्तन, ये देखो गैर लगाओ जैसे कि वैसा ही शब्द उसमें लिख डालो गैर वर्तन। अब देखो मंजूर, मंजूर है ना परमिशन मिलना, उसके बाद क्या होगा ना मंजूर, ना मंजूर। उत्तीर्ण मीन्स पास होना, मीन्स उत्तीर्ण मीन्स पास होना, उसको बोलते हैं अपोजिट क्या आएगा फेल, फेल को बोलते हैं अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, ओके। अब ये हो गए, उसके बाद बचे हैं ये आपने लिखे होंगे फर्स्ट वाला, इसको मैं इरेज करती हूँ और उसके बाद दूसरा बता दी, ओके। ये लिखा ना आपने, ओके, ये क्वेश्चन का मैं ये कर रही हूँ मतलब रफ कर रही हूँ, उसके बाद दूसरा लिख के देखिए। इसमें से दो बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं देखिएगा, आवड़, आवड़ का अपोजिट क्या आएगा नावड़, और उसके बाद कौन सा बचा है स्मरण, स्मरण मीन्स याद रखना, स्मरण होना मीन्स याद आना याद रखना, उसका उसका होते हैं विस्मरण, विस्मरण मीन्स भूल जाना, विस्मरण मीन्स भूल जाना। ये हो गए अपोजिट वर्ड,
ओके आपके बुक्स में है ये पूरा लिखा हुआ। अब बस आपको ये जो इसके वाले जो वर्ड है वो आपको लिखना है। यहाँ तक समझ में आपको कि मैंने पहले क्या दिया, जो समानार्थी शब्द थे उसका मैंने दूसरा अपने मन से दिया उसमें ताल और पट्टी करके। उसके बाद वो जो मैंने पोयम पढ़ी उसमें से आपको क्रियापद वन बाय वन लिख के दिया, वाले वन लाइन का कौन सा, सेकंड लाइन का कौन सा, थर्ड का कौन सा, फोर्थ का कौन सा। उसके बाद उपसर्ग जो लिखी हुई मैंने विरुद्धार्थ शब्द में, वो जो ये वर्ड ये शब्द देख के मैंने उसका विरुद्धार्थ शब्द यहाँ पे लिखी हूँ। ओके इसको बोलते हैं सामने जो लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और पीछे जो लगता शब्द के उसको बोलते हैं प्रत्यय। ओके ये समझ में आपको, इतना लिखे आप लोगों ने? हाँ लिखे सबने? ये बुक में लिखो, बुक में लिखने के बाद आप नोटबुक में लिख कर पार्ट में कंप्लीट करना। पहले आप बुक में करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप बुक्स में ही लिखो। ओके क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में जरूर लिखना। ओके आपकी क्योंकि आपकी सभी की नोटबुक्स चेकिंग के लिए आने वाली है, सो प्लीज अपने अपने नोटबुक अपने अपने पास कंप्लीट करके रखो। ओके अब नाउ लिसन, अब उसके बाद जो बचा है कौन सा क्वेश्चन है अभी, ये वाला खाली शब्द अनुस्वार योग्य अक्षर लिया। जैसे यहाँ पे मंदिर यहाँ पे कहाँ पे दिया है, म और अनुस्वार दिया है, डी के पास दिया है। ओके यहाँ पे दी है मंदिर, तो सही कहाँ से आएगा, म के ऊपर अनुस्वार आएगा और उसके बाद दीरी मंदिरी। ओके प्रेम संजीवनी, अब यहाँ पे प्रेम प्रेम संजीवनी पे कहाँ पे दिया, म पे अनुस्वार दिया बोले, तो म पे अनुस्वार नहीं चाहिए हमको, कहाँ पे किस पे पाए चाहिए, स पे चाहिए, इसलिए प्रेम संजीवनी। बस हमको अनुस्वार चेंज करना है, यानी जिसके ऊपर बिंदु देते हैं वो चेंज करना है, प्रेम संजीवनी। ओके उसके बाद है इंद्रायणी, इंद्रायणी के ऊपर य के ऊपर अनुस्वार है, हमको वहां नहीं चाहिए, वहां कहाँ चाहिए, ये के ऊपर अनुस्वार चाहिए, इंद्रायणी। वर्ड जैसे के वैसे लिखना, वर्ड में चेंजेस नहीं करना है आपको, बस आपको जो अनुस्वार जिससे उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है उसको हम जैसे यहाँ होगा इंद्रायणी इंद्रायणी ऐसा होगा, तो हमको क्या करना है, इंद्रायणी पढ़ना है, तो ई के ऊपर हमको क्या देना है, अनुस्वार देना है। सेम वैसे चार में देखिएगा अम्बरी ऐसा, तो अ के ऊपर अनुस्वार नहीं चाहिए यहाँ पे इन्होंने ब के ऊपर अनुस्वार दिया है, हमको चाहिए अ के ऊपर अनुस्वार, इसलिए हमने शुद्ध लिख के दिया है अम्बरी। जैसे देखो सुगंध के ऊपर स के ऊपर अनुस्वार नहीं चाहिए हमको, ये क्या हुआ सुगंध हुआ, हमको क्या लिखना है सुगंध लिखना है, तो सुगंध ग के ऊपर हमने अनुस्वार दिया। ओके उसके बाद देखो अतरी 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 ऐसा हुआ है, तो हमको क्या लिखना है अंतरी लिखना है, अ के ऊपर हमने अनुस्वार दिया उसका सही करके लिखा। ये जो अनुस्वार है आपको सही करके लिखना है, वर्ड में चेंजेस नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको अनुस्वार में चेंजेस करना है। ओके सो आप लोग लिख लोगे ये मेरे साथ साथ ही लिखो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है कवि तेती समानार्थी शब्द लिया है ना, तो शब्द मतलब कविति में जो समानार्थी शब्द दिया, फॉर एग्जाम्पल दिया उन्होंने देवालय, देवालय मीन्स क्या होता है राउड और मंदिर। उसके बाद है दूसरा है ईश्वर, ईश्वर है ने दो वर्ड कौन से होते हैं इसके, देव प्रभु। उसके बाद है मानुष, मानुष का हम दूसरा समानार्थी शब्द क्या है मानव, यानी मानव और मनुष्य। आकाश को दो समानार्थी शब्द है अंबर और गगन, वास को दो समानार्थी शब्द है गंध सुवास, आयुष्य को दो समानार्थी शब्द है जीवन जगने, जीवन एक है जगने दूसरा है। इसके बाद क्या बचा है पूजा, पूजा ये यहाँ पे इरेज़ कर देती हूँ मैं। अब देखिएगा पूजा के दो वर्ड क्या आएगा, पूजा के दो समानार्थी शब्द आएगा अर्चना उपासना, अर्चना उपासना। ओके अब उसके बाद कौन सा है थोरपल, थोरपल अब
अपने नोटबुक में, बुक में दिया तुमको दिव्यता और मोटे पन, मोटे पढ़ा, ओके। ये हो गए हैं यानी जो हमको एक शब्द के दो समानार्थी शब्द लिखना है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बोल रहे हैं आपके इसमें एक्सरसाइज में दिए हैं, देवालय में देवूर राहुल बोलते हैं उसको, मंदिर और राहुल, जैसे ईश्वर के दो नाम है देव प्रभु बोलते कोई, मानुष के भी मानव मनुष्य, एग्जाम्पल आकाश को भी बहुत सारे नाम है, गगन क्षितिज और गगन अंबर क्षितिज ऐसे बोलते हैं। उसके वास को सुगंध सुवास है ना, जैसे आयुष्य जीवन जगणे, यहाँ पे पूजा अर्चना उपासना, थोरपन दिव्यता मोटेपन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, वाचा वसिकता दिव्य दिव्यता भव्य भव्यता समान समान समानता, और इसके बाद क्या है तत्पर तत्परता योग्य योग्यता मानव मानवता, ऐसे ही हमको दो चार वर्ड यहाँ पे लिखना है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, अभी ये क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास है ऑलरेडी, क्वेश्चन आपके पास है ना मैं, तो जो क्वेश्चंस का मैं सिर्फ नंबर डाल रही हूँ, देखो वो वाला क्वेश्चन है वाचा वसिका वाला है ना, वो वाला क्वेश्चन का हम सिर्फ हेडिंग डाल रही हूँ मैं वाचा वसिका शिकायत। इसमें से हमको जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हमने दिव्य दिव्यता भव्य भव्यता, ऐसे ही हम देंगे महान महानता, एक देंगे महान उसका होगा महानता, दूसरा देंगे हम साक्षर साक्षरता, साक्षर साक्षरता, एंड इसके बाद है रुद्र रुक्ष रुक्षता, ये आपको समझ में आएगा ना, ये क्ष है शब्द का रुक्ष रुक्षता छता, दक्ष दक्षता और स्वस्थ स्वस्थता, बहुत कुछ ले लेते हैं हम, जैसे चार लिख के देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, चौथा है दक्ष दक्षता, पांच लिख के देती हूँ ठीक है, और है स्वस्थ अवस्थ अस्वस्था, ओके। ये हो गया आपका जो आज का जो हमने पूरे यानी आपको इसमें से आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए वैसे हमने चार पांच शब्द आपको लिख के दिए हैं, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट हुआ। इसके पहले हमने इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर दिए थे, लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, और चार शॉर्ट क्वेश्चन लिख के दिए थे। उसके बाद हमने जो पूरा मतलब जैसे यहीं से लेकर वो तक हमने पूरा आपको ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे बता दी हूँ मैंने, आप अपने नोटबुक से बुक्स में या ऑब्जेक्टिव अपने बुक्स में ही उतारना है आपको, नोटबुक में नहीं भी उतारे तो भी चलता है, बट आपको नोटबुक में क्या उतारना है लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन उतारते जाइए, जैसे समानार्थी शब्द है वो उतारते जाइए, विरुद्धार्थी समानार्थी शब्द, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ये जरूर आपके अपने नोटबुक्स में लिखिए। और जो मैंने ग्रामर लिख के दिया था इसके प्रीवियस वीडियो में, वो ग्रामर अपने नोटबुक्स में चाहिए मीन्स चाहिए, ओके। ग्रामर के आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपके बुक्स में नहीं लिखा है फिर भी मैंने एक में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि नाइन्थ में आपको ग्रामर आने वाला है, वो सो इसीलिए नाइन्थ का टेंथ में आएगा, सो इसीलिए अभी से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एक दो साल में उसका रिपीटेशन होगा तो आपको समझ में आएगा, ओके। इसलिए आपको ग्रामर का जो पोर्शन मैंने लिखवाई हूँ वो ग्रामर का क्वेश्चन आपके नोटबुक्स में चाहिए और क्वेश्चन आंसर चाहिए आपके नोटबुक्स में, ओके। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, मो नोटबुक और बुक के लिए आपको क्या आएगा, मैसेज आएगा सर स्कूल से, उस दिन आपको हमको देना भेजवाना है, ओके। आया समझ में? सो ये कंप्लीट है आपका, ये आप अपने नोटबुक्स में उतार लीजिए, सॉरी बुक्स में उतार लीजिएगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।